नमस्कार, मैं हूं अंजू रुकानिया और आज हमारे चैनल पे फिर से मैं बॉलीवुड की कुछ दिलचस्प खबर आपके लिए लेकर आई हूं। और दिलचस्प खबर किस अभिनेत्री के बारे में है, ये भी एक सरप्राइज है। जी हाँ, क्योंकि वो मेरी भी बहुत फेवरेट थी, तो आज मैं बात करूंगी शर्मिला टैगोर की। जी हाँ, जिनके गालों पे पड़ते थे डिम्पल, जब वो हंसती थी तो उनके दोनों गालों पर कट्टे पड़ जाते थे और ये उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। हालांकि उनकी सुंदरता के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और बंगाल से थी वो। तो आज उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि वो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री थी। जी हाँ, जिन्होंने जो है ट्रेजेडी क्वीन से लेकर बोल्ड बाला तक के वैरायटी वाले किरदार निभाए, और उनका जो ड्रेसिंग सेंस था ना, वो बिल्कुल अलग था। और जीरो फिगर आई थिंक उन्हीं से उन्होंने ही शुरुआत की थी बॉलीवुड में, क्योंकि पहले हीरोइनें थोड़ी अच्छी हेल्थ की हुआ करती थी और जीरो फिगर इतना मायने नहीं रखता था। और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी आ गले लग जा मूवी, आपने अवश्य देखी होगी, जिसमें वो बहुत ही स्लिम ट्रिम नजर आई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें वो खूबसूरत तो थी ही और बॉडी लाइन बहुत अच्छी थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, ब्यूटीफुल तो थी ही, और इसके अलावा जीरो फिगर, क्या बात है, माशाल्लाह। तो आज उनके बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि शर्मिला टैगोर की वजह से एक एक्ट्रेस का जो है ब्रेकअप हो गया था, और वो कौन था जिनकी वजह से उस एक्ट्रेस का जो है ब्रेकअप हो गया था। वो एक्ट्रेस थी सिमी ग्रेवाल, जो काफी खूबसूरत थी और बहुत यंग लगती थी अपनी एज से। तो नवाब मंसूर अली खां पटौदी, जो कि भारतीय क्रिकेटर थे उस समय के मशहूर क्रिकेटर और नवाब खानदान के चश्मो चिराग, उनकी वो रिलेशनशिप में थे सिमी ग्रेवाल के साथ। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई शर्मिला टैगोर से, तो फिर कुछ सीन और ही हो गया। तो लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे शर्मिला टैगोर की अभिनय यात्रा की, कि उनकी अभिनय यात्रा जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार से, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने बांग्ला फिल्मों में काम किया, उत्तम कुमार जो बांग्ला फिल्म के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं, उनके साथ कई फिल्में की। और इसके अलावा बॉलीवुड में तो वो काफी चर्चित रही ही थी, और वो उन्होंने एक से एक हिट फिल्में दी, और उस समय के लगभग सारे सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, विनोद खन्ना हो, सबके साथ उन्होंने अभिनय किया। और अपने राजेश खन्ना के साथ तो उनकी जोड़ी बहुत हिट रही थी, उनकी जो आराधना फिल्म थी उसे हम कैसे भूल सकते हैं, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। जी हाँ, तो आराधना फिल्म के लिए शायद उन्हें अवार्ड भी मिला था। और इसके अलावा जब इनकी जो अभिनय यात्रा चल रही थी उस वक्त, नवाब मंसूर अली खां पटौदी सिमी ग्रेवाल को डेट कर रहे थे, और अक्सर दोनों पब्लिक इवेंट्स में देखे जाते थे, और लोगों को ये था शुमार कि वो जल्द ही उसके साथ शादी करेंगे, क्योंकि काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे दोनों। लेकिन उसी वक्त अचानक क्या हुआ कि एक पार्टी में उन दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, सिमी ग्रेवाल और पटौदी, उन दोनों के कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू इन दोनों की मुलाकात हुई एक पार्टी में, और उसके बाद उन्हें देखते ही नवाब साहब उन्हें दिल दे बैठे। और फिर क्या हुआ, चार सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, और उसके बाद कहीं जाकर शर्मिला टैगोर ने शादी के लिए स्वीकृति दी। लेकिन जब ऐसा हो गया तो पटौदी ने डायरेक्टली ही जाके सिमी ग्रेवाल से कह दिया कि अब वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं रहना चाहते। और लेकिन सिमी को कोई धक्का नहीं लगा, क्योंकि शायद उन्हें पहले से इसकी भनक थी, मीडिया है, सब कुछ पता चलता है आजकल। तो उसके बाद सिमी ग्रेवाल ने जो है अपने प्रेम को एलिवेटर तक विदा किया। अब क्या हुआ कि नवाब मंसूर अली खां पटौदी, जो कि नवाब खानदान के चश्मो चिराग और शर्मिला टैगोर उस वक्त की सुपरस्टार थी, बात उनके विवाह तक पहुंची तो धर्म आड़े आ गया, और पटौदी की मां
जो साजिदा सुल्तान है, उन्होंने एक शर्त रख दी कि शर्मिला टैगोर को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, तभी ये शादी होगी। तो पटौदी के प्यार में पागल शर्मिला टैगोर ने इस बात को स्वीकार कर लिया और फिर 27 दिसंबर 1968 को दोनों विवाह के टोर में बंध गए। हम शर्मिला टैगोर की फिल्मों की बात करें तो उनकी फिल्म कश्मीर की कली, वो किसने नहीं देखी होगी, मैंने तो कई बार देखी हूँ फिल्म। तो कश्मीर की कली के नाम से ही जो चेहरा जहन में आता है वो है शर्मिला टैगोर का। तो एक खूबसूरत सा चेहरा जिसके गालों पर कट्ठे पड़ते हैं। तो उस समय उन्होंने काफी सारी हिट फिल्में दी, कश्मीर की कली, वक्त, सफर, त्याग, अमर प्रेम, आविष्कार, छोटी बहू, अमर प्रेम, इन सभी में उन्होंने अपनी सुंदरता के साथ अपने अभिनय की छाप छोड़ी और इसके लिए उनको 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, 2 उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिल चुका है और वो सेंसर बोर्ड की मुख्य अध्यक्ष रही हैं। जी हाँ, तो बॉलीवुड में आज इतना ही, फिर से मैं आपसे मिलूंगी जल्दी ही बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।